त्रयोदश विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हलन विधायक विश्वबंधु सेन। विधानसभा लबी अनुष्ठित अध्यक्ष निर्वाचन शासक दलीय प्रार्थी पे 32 जन समर्थन और वाम कांग्रेस प्रार्थी विधायक गोपाल चंद्र राय पे 14 भोट। अपरदिके वाम कांग्रेस के चमक दिए दिन स्पीकार भोटाभुटी विरत थाकलो दीप्रामथा। त्रयोदश विधानसभा प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित है शुक्रवार। अधिवेशन शुरूते स्पीकार निर्वाचन अनुष्ठित है। शासक दल पक्ष प्रार्थी छिलेन विधायक विश्वबंधु सेन। अपरदिके बिरोधी दल सम्मिलित प्रार्थी छिलेन विधायक गोपाल चंद्र राय। प्रोटेम स्पीकार निर्देशे गोपन बैलेटर माध्यमे भोट अनुष्ठित है। किन्तु एर आगे विधानसभा लबीते आसन बंटन निये क्षोभ प्रकाश करे वाकआउट करे तीप्रामथा दल 13 जन विधायक। एदिन स्पीकार निर्वाचने मोट भोटार छिलेन 59 जन। एर मध्ये बीजेपी और वाम कांग्रेस दल मोट 46 जन विधायक अध्यक्ष निर्वाचने अंश नेन। शेषे भोट गणनाय देखा जाय विधायक विश्वबंधु सेन पेयेछेन 32 भोट। अपरदिके विधायक गोपाल चंद्र राय पेयेछेन 14 भोट। स्वाभाविकभावेई स्पीकार निर्वाचने जयलाभ करे अध्यक्ष निर्वाचित हन। एरपर प्रथा अनुसारे मुख्यमंत्री मंत्रिसभार सदस्यरा सह बिरोधी दलेर नेतारा नया निर्वाचित अध्यक्षके तार आसन पर्यन्त निये जान। एरपर खानिककालेर जन्य स्पीकार अधिवेशन मुलतुवी राखार पर विधानसभार अधिवेशने आसेन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य एवं भाषण राखेन। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण, नव गठित 13वीं विधानसभा के पहले अधिवेशन में इस विशिष्ट सदन में माननीय सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 13वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया वास्तव में उल्लेखनीय रही है। चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए। उल्लेखनीय रूप से त्रिपुरा में 2023 के आम विधानसभा चुनाव के दौरान पुरुष मतदाताओं के तुलना में लगभग 3% अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित सदन में 8 से 10 महिलाएं हैं। राज्यपालের ভাষণের পর স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন ফের ঘন্টা খানিকের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 10 কাট।